April, sightings of an unidentified flying object or UFO were reported from several parts of the island last night. Eyewitnesses claim to have seen a bright spherical object flying in the night sky. However, as captured by telescopes, it was a bright square-shaped object with a moving core. Sri Lanka. Extraterrestrial. Alien. UFO sighting. Ancient history. Ramayana. Reptilian connection. खाली जंगल के बीच में 200 फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर, क्या ये रॉक नेचुरली फॉर्म्ड है और क्या ये रॉक को कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने इधर लाया है? हेलो गाइस, मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू बॉन्ग वॉयजर। हम लोग तैयार है फॉर आवर सेकेंड चैप्टर रिवॉल्विंग अराउंड द मिस्ट्रीज ऑफ सिगिरिया लायंस रॉक श्रीलंका। दिस इज अ प्रोजेक्ट ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड by team detectives of Supernatural and Bong Voyager for a new initiative, Project Dimension X, focused totally on UFO and alien sightings. Is video ko ant tak dekhiye dosto, because this is gonna be very very interesting. The last chapter we tried to understand the deep connection between Sigiriya Lion's Rock and Ravana. We also tried to unfold the alien or extraterrestrial connections with Ravana. और अगर आप ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हो दोस्तों, तो ऊपर में ये लिंक को क्लिक कीजिए एंड वॉच द वीडियो। सो हम लोग का श्रीलंका सफर अभी भी जारी है दोस्तों, एंड हम लोग अभी भी श्रीलंका का सिगिरिया शहर में है, एंड गेट सेट टू ओपन द मिस्ट्री बॉक्स सराउंडिंग Sigiriya Lion's Rock. एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पैलेस को बनाने के लिए 3 मिलियन ब्रिक्स यूज हुआ था, लेकिन ताज्जुब का बात यह है दोस्तों कि आज भी आपको कोई भी विजिबल स्टेयरकेस नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सिगिरिया लायंस रॉक 1500 साल पुराना है। As per the archaeological data, it is 1500 years old. लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ancient builders वो लोग 3 million bricks ऊपर तक लेके आए थे without any visible stairs? सीढ़ी के बिना 3 million bricks ऊपर तक चढ़ाना it is impossible. Then how they carried all the bricks to the top? And ये जो iron stair आपको दिख रहा है, ये बस last century में ही बनाया गया था। No one even knew कि सिगिरिया रॉक के ऊपर एक पैलेस भी है। That was discovered only in the year 1831 by Sir Jonathan Franz. So without any stairs, it is impossible to carry or lift 3 million bricks to the top. And अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये bricks ऊपर बनाया गया था, तो ऊपर में भी जो लोग बनाए थे, उनका shelter, उनका regular खाना पीना एंड ऑल्सो ये जो हेवी एंशियंट टूल्स और मशीनरी है, इसको कैसे उठाया गया था? बिकॉज इधर तो कोई सीढ़ी है ही नहीं। दोस्तों, ऊपर में जो पैलेस का रुइंस है, अगर आप उसको थोड़ा गौर से नोटिस करोगे तो बहुत सारा मिल्की व्हाइट मार्बल स्टोन यूज हुआ है इधर। लेकिन शॉकिंग थिंग इज, मैंने थोड़ा स्टडी किया, मार्बल इज फाउंड नो वेयर नियर दिस साइट, एंड मार्बल बहुत हेवी होता है, अराउंड 50 pounds पर रॉक। देन इतना हेवी मार्बल रॉक को कहां से उठाया गया जब कोई सीढ़ी ही नहीं था? दिस रिजर्वर इज 90 feet लॉन्ग, 60 feet वाइड एंड 7 feet डीप। अराउंड 3500 टन्स ऑफ ग्रेनाइट हैज बीन रिमूव्ड टू फॉर्म दिस रिजर्वर। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखो तो ये स्ट्रक्चर खोद के नहीं बनाया गया, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रेनाइट स्टोन के बीच से स्कूप करके रॉक निकाला गया है टू फॉर्म दिस रिजर्वर। सो कंसीडरिंग द टाइम व्हेन इट वाज बिल्ट एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि कैसे जो वर्कर्स थे उधर, उनका जो रेगुलर रेशन से जो फूड है, उसको ग्राउंड लेवल से कैसे ऊपर तक लाया जाता था, कंसीडरिंग दैट देयर वाज नो स्टेयरकेस। सो देयर इज सम फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री एंड एविडेंस। It is easily visible that some high-tech tool was used. Just look at the tool mark. It just looks like ice cream scooping.
इस रिजर्वर का सारा पानी बारिश से आता था दोस्तों, एंड देयर वॉज ऑल्सो अ ड्रेनेज सिस्टम अंडरनीथ टू अवॉइड फ्लडिंग. सो इन वन वर्ड, इट्स अ ब्रिलियंट इंजीनियरिंग. सिगिरिया लायंस रॉक इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू सी हाउ नेचर एंड एंशियंट टेक्नोलॉजी कोलाइड्स. लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना स्मूथली रॉक को कट किया गया है, एंड दैट टू विदाउट एनी विजिबल स्टेयरकेस. जो भी स्टेयरकेस आपको इधर दिख रहा होगा दोस्तों, ये कोई स्टेयरकेस नहीं है बल्कि ग्रुप्स है, क्योंकि स्टेयरकेस का एंगल कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल रूल्स. ऑल्सो लुक एट दिस होल्स फ्रेंड्स, दिस होल्स आर सर्कुलरली कट एंड ये नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ है. इसके पहले कि हम लोग आगे जाए दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है आप लोग से, कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारी वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहे. दोस्तों, सिगिरिया रॉक के बारे में और डिस्कस करने से पहले लेट अस गो थ्रू ईच ऑफ द फोर थियोरीज रिलेटेड टू सिगिरिया रॉक. थियोरी नंबर 1, सिगिरिया रॉक के ऊपर जो पैलेस है जिसका रूइंस अभी भी पाया जाता है, सो दैट पैलेस वॉज बिल्ड बाई किंग रावणा फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजिकल एपिक रामायणा. थियरी नंबर 2, दिस पैलेस वॉज बिल्ड बाई किंग कश्यपा. किंग कश्यपा एक सिंहलिस किंग था. उसका स्टोरी ऐसे है कि ही किल्ड हिज फादर, उसके पिता के हत्या करके ही केम टू दिस रॉक, ही बिल्ड दिस अमेजिंग पैलेस. उनके प्रोटेक्शन के लिए ही बिल्ट एन आर्मी विथ अराउंड 5,000 to 6,000 सोल्जर्स, बट लेटर ऑन हिज हाफ ब्रदर ही अटैक्ड हिम एंड ही वॉज डिफीटेड. थर्ड थ्योरी इज अ बिट इंटरेस्टिंग दोस्तों, बिकॉज इधर एक साइंटिफिक एविडेंस भी है. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि ये सिगिरिया रॉक में पैलेस के साथ साथ जो भी केव्स पाया जाता है, दिस केव्स इट डेट्स बैक टू अराउंड 1,500 ईयर्स एंड इट बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, द एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. एंड द फोर्थ थियोरी, सबसे चौंकाने वाला थियोरी जो है कि समवेयर डाउन द लाइन फ्यू ऑफ द यूएफोलॉजिस्ट जो साइंस फिक्शन में बिलीव करते हैं अबाउट एलियंस एंड स्टफ्स, दे बिलीव दैट सिगिरिया रॉक के साथ कुछ ना कुछ एलियन कनेक्शंस है एंड इसके आसपास बहुत सारा यूएफओ साइटिंग्स भी हुआ है. देयर इज आल्सो अ थ्योरी जहां पर किंग रावणा को भी एंशियंट गॉड्स के साथ लिंक किया गया है. अभी आते हैं लेवल्स ऑफ डिफेंसेस में. आप ताज्जुब हो जाओगे दोस्तों कि उन दिनों में भी कितना सिस्टमैटिकली और कितना टेक्निकली लेवल्स ऑफ डिफेंसेस को डिजाइन किया गया था. नंबर 1, एंटायर सिगिरिया लायंस रॉक इज सराउंडेड बाई अ कनाल. अभी भी अगर आप सिगिरिया लायंस रॉक में एंटर करोगे, आपको एक ब्रिज क्रॉस करना होगा. ये कनाल्स में क्रोकोडाइल्स हुआ करता था. अभी भी आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा स्टेटिंग नॉट टू जम्प इन टू द कनाल्स ड्यू टू क्रोकोडाइल्स. नंबर 2, वाटर गार्डन्स. सिगिरिया रॉक की तरफ जाने के लिए आपको एक विशाल वाटर गार्डन को क्रॉस करना होगा. ऐसे तो इस वाटर गार्डन में आपको बहुत सारा फाउंटेन्स दिखेगा, लेकिन बहुत सारा टैंक्स भी दिखेगा. इनमें से कुछ टैंक्स डीप है और कुछ टैंक्स शैलो है. दिस टैंक्स वर डिजाइंड इन सच अ वे टू क्रिएट एन इल्यूशन टू द अटैकिंग आर्मी ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ. इट वॉज मेड टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल फियर इन द माइंड्स ऑफ द अटैकिंग आर्मी. Security used to keep a track from the top, and as soon as enemy used to be spotted, the water reservoir used to be channelized to the bottom garden, signaling the initiation of flood. And in the matter of hours, the entire water garden used to be flooded. Number 3, narrow rock gate. ध्यान से देखो दोस्तों, कितना छोटा है ये rock gate का entry. This was built to slow down the army. Narrow opening will allow few soldiers to enter at once, giving enough time to the security to spot them and kill them at once. Number 4, prison rocks. Just look at these spectacular rocks, balanced by pillar. Look at the center of balance, even balanced by smaller stones. This was created as a secondary layer of defense. This is a level of defense where rocks can be pushed and the enemy at the bottom can be crushed at once.
मैं पर्सनली भी श्रीलंका विजिट किया था इंडिया 2019 एंड आई विजिटेड सिगिरिया रॉक एंड आज भी आपको जो भी पैलेस का रुइंस बचा है आप अगर गौर से नोटिस करोगे तो आपको भी आज ये एविडेंस मिला गया, इट्स स्टिल देयर। एंड ये छोड़ के भी मैंने स्टडी किया जो दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स है, जो यूफोलॉजिस्ट है, जो उन लोगों का थिंकिंग है, उन लोगों का थियोरी है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग एंड ब्रिंगिंग आउट दिस व्लॉग फॉर यू ऑन सिगिरिया लायंस रॉक। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये विशाल पैलेस बनाने के पीछे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस का कंट्रीब्यूशन है, या फिर ये जो एडवांस लेवल ऑफ डिफेंस है एंड ये जो विशाल पैलेस है, दिस इज जस्ट अनदर ह्यूमन वंडर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने पुष्पक विमान के बारे में भी एक्सप्लेन किया था एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो शोड अ पिक्चर फ्रॉम इलोरा केव्स एंड इसके साथ मैंने कंपेयर किया था एक मॉडर्न डे जेट पैक। सो अगर आप वो व्लॉग अभी तक नहीं देखे हो, क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड डू वॉच द व्लॉग। सो दोस्तों, काइंडली कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो क्या आपको सही लगा एंड क्या आपको सही नहीं लगा अबाउट दिस व्लॉग। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज यूजुअल कीप रॉकिंग एंड हैंग ऑन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल।